गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम अगेन टू योर कंप्यूटर क्लास। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 8, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टुडे वी विल डू पेज नंबर 68 एंड पेज नंबर 69। Before starting our chapter, we will learn some new words. First is M I C R O S O F T, Microsoft Word, W O R D, Microsoft Word. Microsoft Word क्या है बेटा? वर्ड एक एप्लीकेशन है जिसमें हम टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जिसने वर्ड एप्लीकेशन को बनाया। क्लियर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? और बेटा माइक्रोसॉफ्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? एमएस। हम इसको एमएस वर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट, डी ओ सी यू एम E-N-T, document. Document क्या होता है बेटा? अगर आप कोई भी पोयम अपनी टाइप कर रहे हो वर्ड में, जब उसको सेव करते हो तो सेव करने पर वो क्या बन जाता है? डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक फाइल बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड इज क्विक एक्सेस टूल बार, क्या यू आई सी के, क्विक असिस A डबल C E डबल S, असिस्ट टूल बार, T डबल O L B A R। बेटा क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज होता है? ये टूल बार कमांड्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ कमांड्स होती हैं वर्ड में जिनको हम अपने वर्क के दौरान बार बार यूज करते हैं, उन कमांड्स को एक्सेस करने के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, एफ आई एल ई, फाइल टैब, टी ए बी, फाइल टैब। बेटा फाइल टैब वर्ड डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड पर होती है। इसमें बेटा सभी कमांड्स दी हुई होती हैं जो हमें काम करने के लिए सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना। नेक्स्ट नंबर 5, रिबन, आर आई डबल बी ओ एन, रिबन। रिबन क्या होता है बेटा? वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने के लिए हमें जिन कमांड्स की जरूरत होती है वो सारी कमांड्स हमारी रिबन पर होती हैं। नाउ रिपीट आफ्टर मी, फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकेंड डॉक्यूमेंट, थर्ड क्विक असिस्ट टूलबार, 4 फाइल टैब, 5 रिबन। अब बेटा हम लोग रीडिंग करेंगे। ओपन योर बुक पेज 68। व्हाट ऑल आइटम्स डू यू नीड टू राइट अ पीस ऑफ टेक्स्ट? बेटा टेक्स्ट राइट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? अ पेज, अ पेंसिल एंड एन इरेजर। Can you make changes in it whenever you want? बेटा जब आप चाहते हो क्या आप उसमें टेक्स्ट में इजीली चेंजेस कर सकते हो? No, once it is written, it cannot be easily changed. जब आप एक बार बेटा राइट कर चुके हो तो उसे चेंज करना इजी नहीं है। The best possible way to make your work quicker and easier is to use a word processor. अपने काम को बेटा बहुत जल्दी से और आसानी से करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? वर्ड प्रोसेसर को यूज करना। A file created in word processor is known as a document. बेटा वर्ड प्रोसेसर में जब हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर।
सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड प्रोसेसर मींस बेटा मींस जिसमें हम टाइपिंग वर्ड से रिलेटेड टेक्स्ट से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं उसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1983। इसको किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1983 में बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑल्सो नोन एज MS वर्ड और वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेटा हम MS वर्ड भी कहते हैं। MS की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट, और वर्ड भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ MS वर्ड 2016 विंडो। बेटा आपकी बुक में वर्ड 2016 विंडो के पार्ट्स दिए हुए हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। फर्स्ट इज बेटा टॉप मोस्ट बार, देखो वर्ड स्क्रीन के बिल्कुल टॉप में ये बार आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड पर देखिए बेटा, दिस इज विंडोज कंट्रोल बटन्स। यहाँ पर आपको बेटा थ्री बटन्स गिवन है। फर्स्ट क्या है? मिनिमाइज, सेकंड है मैक्सिमाइज और रीस्टोर, एंड थर्ड इज क्लोज बटन। इन तीनों बटन्स को बेटा हम क्या कहते हैं? विंडोज कंट्रोल बटन्स। टाइटल बार के ही बेटा एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर आपको क्विक असिस टूल बार गिवन है। क्विक असिस टूल बार में क्या होता है? ये बेटा कॉमनली यूज की जाने वाली कमांड्स को कंटेन करता है। सेव बटन, अंडू एंड रीडू बटन यहाँ पर गिवन है। उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए, दिस इज ऑफिस बटन। और जबकि बेटा वर्ड 2016 में आपको फाइल टैब दिया हुआ है यहाँ पर, अब हम वर्ड 2007 कर रहे हैं तो इसमें ऑफिस बटन गिवन है। ऑफिस बटन और फाइल टैब में दोनों में कमांड्स सेम होती हैं। अब बेटा टाइटल बार के बिल्कुल नीचे, एकदम से नीचे स्टार्ट हो जाता है हमारा रिबन एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड रिबन। रिबन में क्या क्या होता है? टैब्स एंड ग्रुप्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब क्या हैं? टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। हर टैब में बेटा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब होम टैब में देखो कौन कौन से ग्रुप्स गिवन हैं? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। हर ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। क्लिपबोर्ड की डिफरेंट कमांड्स हैं, फॉन्ट ग्रुप की डिफरेंट कमांड्स गिवन हैं, पैराग्राफ ग्रुप की भी डिफरेंट कमांड्स हैं। इसी तरह से बेटा हर एक ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। दिस इज डॉक्यूमेंट एरिया, दिस इज डॉक्यूमेंट एरिया। आपको जो यहाँ पर वाइट एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट इज बेटा स्टेटस बार। ये देखिए बेटा डेस्कटॉप स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में ये बार आपको गिवन है। दिस बार इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, पेज नंबर एंड लैंग्वेज वर्ड्स, कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस यूज़ किए हैं, कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करता है। नाउ वी विल डू रीडिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ MS वर्ड विंडो। विंडोज कंट्रोल बटन्स, दीज बटन्स आर मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। दीज आर लोकेटेड एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार। बेटा विंडोज कंट्रोल बटन अभी आपने देखे थे कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। कहाँ पर लोकेटेड होते हैं बेटा? ये टाइटल बार के राइट एंड पर, बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर पर लोकेटेड होते हैं। क्विक असिस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टाइटल बार। इट कंटेन्स सम कॉमनली यूज्ड कमांड्स। बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्लेज सेव, अंडू एंड रीडू बटन्स। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है?
टाइटल बार के लेफ्ट साइड पर। और क्विक एक्सेस टूल बार क्या कंटेन्स करता है बेटा, जिन कमांड्स को हम ज़्यादातर बार बार यूज़ करते हैं वो कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अंडू और रीडू बटन क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट रहते हैं। फाइल टैब इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड 2016 विंडो। फाइल टैब कहाँ पर होती है बेटा, जहाँ अभी मैंने आपको ऑफिस बटन दिखाया था वहाँ पर फाइल टैब होती है। रिबन इज लोकेटेड राइट बिलो द टाइटल बार। द रिबन इज फॉर्म्ड ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब हैज सेट्स ऑफ लिंक्ड कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। रिबन कहाँ होता है बेटा, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे। टाइटल बार के ख़त्म होते ही रिबन स्टार्ट हो जाता है और रिबन टैब्स और ग्रुप्स होती हैं रिबन में। और हर टैब के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। कमांड्स किस में होती हैं, ग्रुप्स के अंदर। हर टैब के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती हैं। डॉक्यूमेंट एरिया इज़ द मेन वर्किंग एरिया वेयर यू कैन टाइप एंड एडिट टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट एरिया बेटा मेन वर्किंग एरिया है, जहाँ पर आप टाइप कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं वो भी आपके डॉक्यूमेंट एरिया में होते हैं। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। स्टेटस बार वर्ड विंडो के बिल्कुल बॉटम में होती है। इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। स्टेटस बार बेटा हमें पेज नंबर शो करता है करंट डॉक्यूमेंट के बारे में। पेज नंबर, वर्ड्स और लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। देयर इज़ अ वर्कशीट फॉर यू बेटा। लेसन 7 हम कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड एक वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे ट्राई करोगे। राइट द नंबर ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पर बेटा ये कीज प्रेजेंट होती हैं और आपने ये बताना है कि ये कितनी होती है, इनके कितने नंबर होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज, कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट कीज होती हैं वो आपको यहाँ पर राइट करना है। नंबर कीज, नंबर कीज कितनी होती हैं वो यहाँ लिखना है। एरो कीज, यहाँ पर राइट करोगे आप कितने नंबर होते हैं एरो कीज के। स्पेस बार की, यहाँ राइट करोगे। एंड शिफ्ट की, यहाँ पर राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।